तो भैया जो मेरे बगल में जो तस्वीर देख रहे हो ना आप लोग, ये सारे के सारे मध्य प्रदेश के पत्रकार हैं। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई पत्रकार हैं और ये चड्डी में क्यों खड़े हैं, आखिर ये इस नग्न अवस्था में क्यों खड़े हैं। ये मैं आपको बताऊंगा कि इनकी हालत ये कैसे हुई है, मगर उससे पहले मैं बता दूं, ये जितने भी पत्रकार हैं इन सब ने आखिर बीजेपी सरकार मतलब सरकार के खिलाफ स्टंटबाजी करी। तो सरकार ने जब अपना स्टंट दिखाया तो इन लोगों की ये हालत हो गई। अब देखिए चड्डी में क्यों खड़े हैं, इसका लॉजिक देखिए। अब थाने के अंदर इनको खड़ा किया गया है क्योंकि भैया जब सरकार ने स्टंटबाजी दिखाई तो इनकी ये हालत हो गई। अब ये थाने में खड़े हैं चड्डी में, और जो थाने के जो SHO हैं मनोज सोनी, उनका क्या बयान है कि भैया इनको चड्डी में जो है इसलिए खड़ा किया गया है, इसलिए रखा गया है कि कहीं अपने कपड़ों से खुद को फांसी ना लगा लें। भैया गजब का लॉजिक दिया है उन्होंने। भैया मुझे ऐसा लगता है कि मध्य प्रदेश के अब जितने भी कैदी है ना, वो सारे के सारे अब लगता है चड्डी में ही घूमेंगे, चड्डी में ही रहेंगे, कि भाई ऐसा ना हो ना कि कहीं वो अपने आप को फांसी ना लगा लें। भैया देखो सरकार के खिलाफ स्टंटबाजी दिखाओगे तो भैया यही हालत होगी। अब जाते जाते ज्ञान की बात पेल रहा हूं, उसको जरा ध्यान से सुन लेना। कुछ लोग हैं जो बेरोजगारी, महंगाई, इन सब चीजों को लेके और जो सरकार के खिलाफ स्टंटबाजी कर रहे हैं, रोड पे उतर जा रहे हैं, तो भैया सोच लो, समझ लो और इन लोगों को देख लो कि क्या हालत हो सकती है। अब ज्ञान की बात जो है वो सुन लो। ज्ञान की बात ये है कि भैया जो इंसान 2 लाख का पेन, 10 लाख का सूट, 12 करोड़ की गाड़ी और 8,000 करोड़ का जहाज इस्तेमाल करता होगा, क्या उसको महंगाई लगेगी? अब खुद ही सोचो। और आप लोग क्या सोचते हो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताना, और देखते रहना द लॉलीपॉप्स। अगली वीडियो में मिलते हैं, शुक्रिया।